तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बट अभी मैं थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम में हूँ, तो ये मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको थंबनेल पे देख के पता चल ही गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइए आप लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ी ही बहुत कमेंट आते हैं। और बात ऐसी है कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि क्या है, तो कुछ मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो मैं प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। तो जैसा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास गई हूँ, अभी दिखवा रही हूँ, इलाज हो रहा है मेरा। और बहुत लंबा खर्च भी बताया डॉक्टर ने कि इसमें बहुत लंबा खर्च लगेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे, रिज़ल्ट अच्छा निकलता है या नहीं। तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई है दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कैसे लिटा रखा है डॉक्टर ने, और फिर वो देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मेरे दांत में प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा जो इस साइड का दांत है, वो मेरे दांत करीब 6-7 महीने से दर्द हो रहा था। 2-2, 3-3 दिनों पर दर्द होता था, बट मैं दर्द की दवाई खाकर काम चला रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका था। मेरे को बिल्कुल भी खाना खाने में या फिर पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इसी किया, बोला कि 2-2 दिनों पर आपको आना पड़ेगा और इसकी सफाई करवानी पड़ेगी, और 2-2 दिनों पर एक दिन की सफाई का इसका खर्च लगेगा आपको 500 रुपये, और आपको कम से कम ऐसे सभी का 3 बार होता है, लेकिन आपका बहुत दर्द हो रहा है इसलिए धीरे धीरे करेंगे तो आपको 4-5 बार लगेगा और बहुत लंबा खर्च बताया डॉक्टर ने। उन्होंने ये बोला कि आपको हम अभी दवाई देते हैं पेन किलर, मतलब दर्द की दवाई देते हैं। अगर ज़्यादा दर्द हो तो 2 गोली एक साथ लीजिएगा, अगर कम हो तो 1 लीजिएगा। मैं आपको दवाई दिखाती हूँ, इसलिए देखिए दोस्तों ये सारी दवाइयाँ मुझे मिली है खाने के लिए, और दर्द की भी दवाइयाँ हैं इसमें रखी हुई है, और एक्सरे भी किया है उन लोगों ने मेरा। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरे भी दिखा दूँगी, अभी मैंने अंदर रख दिया है। तो उसके बाद वो सब कुछ होने के बाद फिर हम घर पर आए लौट कर, और फिर मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, तो मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तुम अपने दांत को उखरवा लो,
क्योंकि इतना ज़्यादा खर्च भी लग रहा है। उन्होंने बोला कि इसकी पूरी सफाई होगी, उसके बाद इसके ऊपर एक दांत का कवर बनता है, वो कवर बनाकर वो लगाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा खर्च भी हो जाता है। लेकिन क्या करे, अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं तो जीऊंगी कैसे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अभी मेरे दर्द है तो मैं 3-4 दिनों से खाना भी नहीं खा पाती हूँ अच्छे से। थोड़ा बहुत लिक्विड वाली चीज़ें ले रही हूँ और अभी भी इसमें रुई डाल रखा है डॉक्टर ने। इधर से खाने के लिए बिल्कुल भी मना कर रखा है, पानी भी नहीं पीना है, सिर्फ जो भी है थोड़ा बहुत इधर से मैं करती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैं क्या करूं, और ज़रूर अपनी अपनी राय दीजिएगा कि मैं दांत को उखड़वा लूं या फिर इसकी रिपेयरिंग करवाऊं। तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।